आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में मथुरा के साड़ी कारीगर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ की 40 फैक्ट्रियों में इन दिनों तिरंगा झंडा बनाने का काम दिन रात किया जा रहा है। इस काम में करीब 10,000 कारीगर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मथुरा में साड़ी बनाने के कई कारखाने हैं, जहां साड़ी की छपाई करने से लेकर तैयार किए जाने तक काम किया जाता है। इन साड़ी फैक्ट्रियों में इन दिनों तिरंगा झंडा बनाए जाने का काम दिन रात किया जा रहा है। साड़ी फैक्ट्रियों में कारीगर तिरंगा की छपाई, कटाई और सिलाई का काम कर रहे हैं। इसके साथ मथुरा की 40 फैक्ट्रियों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें, तिरंगा झंडा बनाने के लिए कपड़े की आपूर्ति गुजरात के सूरत व महाराष्ट्र के मालेगांव से की जा रही है, जबकि तिरंगा झंडा तैयार कर देश के हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली, बिहार सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भेजे जा रहे हैं। यहाँ एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 200 कारीगर द्वारा करीब 1,00,000 झंडे तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि साड़ी फैक्ट्रियों में साड़ी बनाए जाने का काम किया जाता था, लेकिन इन दिनों यह काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। ऐसे में साड़ी कारखाना में तिरंगा बनाने का काम मिलने से कारीगरों के साथ साथ फैक्ट्री मालिकों को भी संजीवनी मिल गई है। मथुरा के करीब 40 साड़ी फैक्ट्रियों में 5 करोड़ तिरंगा झंडा तैयार किए जाएंगे। देश की आन बान शान तिरंगा झंडे को तैयार करने में करीब 10,000 कारीगर दिन रात एक करे हुए हैं। आपको बता दें कि देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव को खास बनाने और देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए केंद्र सरकार ने 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने के लिए कहा है, जिसके बाद देश भर में तिरंगा झंडे की मांग बढ़ गई। वहीं प्रशासनिक अधिकारी जहां इस अभियान को लेकर सफल बनाने में जहां हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं लोग अपने घर में देश की आन बान शान तिरंगा झंडा लगाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।